भाई बहुत देर में चीट हो गई, मैंगो दी मुच्छा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी लाइफ, मैं निकिता। मैं हूँ निकिता और आप सब सही होंगे। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए कि मेरी नई वीडियो आ गई है। एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा यार, इससे मुझे ना बहुत मोटिवेशन मिलती है। करने वाली हूँ, अपने टाइटल में तो कर ही होगा कि मैं करने वाली हूँ लिक्विड डाइट चैलेंज। सब लोग मेरी वीडियोस देख के ना मुझे कहते हैं यार तू ये खाना खा ले, ये वाला खाना खा ले, ये वाला खाना खा ले, वो वाला खाना खा ले। बट मुझे ना किसी डीएम्स में बस बहुत सारे आए कि आप लिक्विड डाइट चैलेंज करो, मतलब ऐसे नहीं सिंपल लिक्विड डाइट। उन्होंने मुझे कहा कि अगर हिम्मत है ना तो लिक्विड डाइट पर रहकर रिकॉर्ड 24 आवर्स, सिर्फ और सिर्फ पीना है, खाना कुछ नहीं। मतलब आज के दिन मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, लिटरली मैं इसमें कोई चीटिंग नहीं करने वाली, चाहे मुझे कितनी भूख लगे। बिकॉज इट्स अ वेरी गुड चैलेंज, 24 आवर्स लिक्विड डाइट पर रहना मीन्स यू विल डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। तो मतलब ये तो वैसे भी मैंने इसके बारे में रिसर्च करा और इसको जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग भी करो ना तो हफ्ते में एक दिन लिक्विड डाइट पर रहा करो। एंड दिस इज अ वेरी गुड मेथड एंड ईजीएस्ट वे टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। इससे आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक्स होते हैं ना वो सब चले जाएंगे एंड योर बॉडी विल बी क्लेंस नेक्स्ट मॉर्निंग। सो आप इसको ट्राई करना। मैं भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि 24 आवर्स कुछ भी नहीं खाऊंगी, ओनली लिक्विड डाइट। मतलब लिक्विड्स में हर चीज़ पी सकते हो, हाँ ऑफकोर्स वी हैव टू अवॉइड दिस एरिएटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक पेप्सी एंड एवरी सोडा, सोडाज मत लो, सोडाज मीन्स बाकी मैं ऐसे नहीं पीने वाली हूँ। बाकी मैं उसको कुछ हेल्दी तरीके से करने वाली हूँ ताकि यार खाने वाला चैलेंज मैं हमेशा करूँ और आगे भी करूँगी। तो लेट्स ट्राई दिस समथिंग न्यू, 24 आवर चैलेंज ओनली ऑन लिक्विड डाइट एंड ऑल्सो अ गुड हेल्दी लिक्विड डाइट। नो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, नो पेप्सीज, नो कोलाज, नो सोडाज, ओनली गुड एंड हेल्दी लिक्विड डाइट। तो चलो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं कि मैं देखती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ और आप भी देखो कि मैं क्या खाने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर डे एंड फर्स्ट मील ऑफ द डे, आई मीन फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द डे। तो सबसे पहले मैं ये ले आई हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ये स्टार्ट ही किया है मैंने अपने दिन, तो मैं सबसे पहले पी रही हूँ ये है जीरा वाटर, जिसको मैंने हाफ बॉयल कर लिया है। मतलब एक ग्लास लो जीरा वाटर और उसमें थोड़ा सा एक चम्मच जीरा डाल दिया और उसको ना बॉयल करके हाफ कर दिया। तो ये मेरा हाफ कप है और इसको मैं ठंडा होकर पी रही हूँ क्योंकि फर्स्ट मील, ताकि डिटॉक्सिफाई, मैंने जो रिसर्च की उसमें लिखा था कि आप जीरा वाटर पियो तो आपकी डिटॉक्सिफाई होती है। तो ये बहुत ही टेस्टी है, मीन्स आपको ये ज़रूर लेना चाहिए, इससे ना आपकी बॉडी बहुत अच्छी क्लीन होती है। एंड ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि गर्मियों में जीरा वाटर पीने से ना, जीरा बहुत ठंडा होता है, तो जीरा वाटर पीने से हमारी बॉडी में ठंडक रहती है, कूलनेस रहती है, तो हमें जीरा वाटर जरूर ले लेना चाहिए। नेक्स्ट मैं सोचती हूँ क्या खाऊंगी क्योंकि यार भूख तो लगी जाएगी। तो अब नेचुरली अगर उसने डाइट रहनी है लिक्विड, तो लेट्स स्टार्ट विद सम गुड एंड हेल्दी स्टफ। तो मैं एक स्मूदी बनाती हूँ, या तो बनाना की या मैंगो शेक। तो लेट्स से कि कौन सी चीज़ घर में पड़ी होगी, मैं उसकी स्मूदी बना के पी लूंगी। तो चलते हैं और आप स्टे ट्यून्ड रहिए, जाना नहीं कहीं भी, पूरी वीडियो देख के जानी है, ऐसे भाग मत जाया करो यार। चलो चलो हम साथ, मेरे साथ ही चलो मैंगो शेक बनाएंगे। चलो हम बना रहे हैं हेल्दी मैंगो शेक। मैंगो कट कर लेंगे, चॉप कर लेंगे पीसेस में, मिक्सर में डालेंगे और इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा दूध और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मैंगो शेक तैयार है विदाउट शुगर और बादाम डाल के पियेंगे हेल्दी ड्रिंक। शेक वो भी बादाम वाला। देखो जी देखो, लिक्विड डाइट में भी यू कैन गेट अ सो गुड गुड थिंग्स। मैंगो दी मुच्छा लिक्विड डाइट में भी देखा, स्ट्रॉन्ग मूछे भी आ गए मेरी। एक्चुअली इसमें इतने सारे बादाम डाल दिए ना, वो मुंह में आते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं और एकदम हेल्दी ड्रिंक है। इससे आप फुलफिल भी रहोगे, देर तक भूख भी नहीं लगेगी और आपकी ऐसी क्यूट सी मूछे भी आ जाएगी जिसको आप ऐसे करके हटा सकते हो। आप बताओ आपको लस्सी, ऐसे मैंगो शेक या कोई भी शेक पी के जो आपकी मूछे आती है आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या स्पेशली ऐसे जान मूछ के बनाते हो? कमेंट डाउन करके बताना। ये मेरा सेकंड मील है, सेकंड ड्रिंक है, इससे काफ़ी देर तक भूख नहीं लगने वाली है और फिर देखते हैं कि मैं थर्ड मील, या कह सकते हो कि अब मैं मिड मील में क्या पीने वाली हूँ, कुछ लिक्विड होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी बैक मैंगो शेक फिनिश करके। सो नेक्स्ट मील जो हम खाने पीने वाले हैं वो है ये है कोको जल, इट्स टेंडर कोकोनट वाटर। तो एक्चुअली मुझे आज कोकोनट नहीं मिला और मेरे पास घर में ये अवेलेबल था, तो ये भी बहुत हेल्दी है। तो लेट्स ड्रिंक दिस, मैं इसको एक ग्लास में कन्वर्ट कर लेती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू हैव दिस। यस, गुड अमाउंट ऑफ कोकोनट वाटर इज वेरी गुड बिकॉज ये भी बहुत हेल्दी होता है, गर्मियों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पीना चाहिए, इससे आपकी बॉडी कूल रहती है। एंड समर्स में जो कि हमारा कोकोनट वाटर होता है वो हाइड्रेटिंग होता है, तो हमें डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है। तो इतनी ज्ञान काफ़ी है, मैं थोड़ा पी लेती हूँ। एक्चुअली मैंने ना इतनी सारी वीडियोज़ बनाई एंड उसमें ना हर कोई मुझे कहता है कि ना आप ना बहुत ना टंकी करते हो। तो यार एक्चुअली पता क्या है, जब से कोविड के टाइम शुरू हुआ है ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो ना टंकी ही बची है करने के लिए, ना टंकी जितनी कर सकते हो ना करो यार, यू विल फील सो गुड एंड इट्स जस्ट फॉर फन। जिंदगी में फन भी बहुत जरूरी है।
और आपके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, ये चार बातें मैं बोल बोल के थक गई हूँ, कर लो कर लो कर लो, क्यों नहीं करते हो यार। नेक्स्ट मील पे चलते हैं, लंच में देखती हूँ मैं क्या खाने वाली हूँ, आई मीन पीने वाली हूँ। जितना मैंने सोचा था ना ये चैलेंज उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है यार। सिर्फ और सिर्फ पानी पे रहना बहुत डिफिकल्ट है, सारा दिन लिक्विड डाइट, मीन्स अभी सिर्फ और सिर्फ दोपहर के 4 बज रहे हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा कि मैं किसको खाऊं क्या पीऊं जिससे मेरे को ताकत आ जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाती हूं ताकि थोड़ी देर 1-2 घंटे सोऊंगी, नींद आ जाएगी और भूख नहीं लगेगी, लेकिन खाली पेट तो नींद भी नहीं आती। क्या करूं मैं, क्या करूं, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि कुछ ऐसा खाऊं जिससे कि मुझे ताकत मिले। तो मैं कुछ ढूंढती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ, और चीटिंग मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आई एम डूइंग दिस डेडिकेटेडली, स्वेयर ऑन माई हार्ट कि मैं ये 24 आवर चैलेंज लिक्विड चैलेंज कंप्लीट करके रहूँगी। तो गर्मी को मात देते हुए और टेस्टी बनाते हुए मैं बनाने वाली हूँ ये रोव जोमेटो विद चिया सीड्स इन दिस। चिया सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं, फुलफिलिंग होते हैं विद पुदीना रोवजा एंड चिल्ड वाटर। तो ये मेरा तैयार हो गया है रोव जोमेटो, इट लुक्स सो ऑसम चिल्ड। गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाए वो है ये रोवजा मोइटो, बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी विद चिया सीड्स। चिया सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं, पुदीना हेल्दी होता है, रोवजा अच्छा होता है, ठंडा ठंडा पानी अच्छा होता है, तो ये सब अगर, और नींबू कितना हेल्दी होता है, हम ये सब अगर गर्मियों में पियेंगे तो हमारी बॉडी एकदम कूल रहेगी, और चिया सीड्स से हमारी बॉडी क्लेंस होती है, हमें भूख ज़्यादा देर नहीं लगती, एंड इट इज़ रियली गुड इन समर्स। तो चीयर्स, और ये है आज का मेरा लंच। ऑसम, चीयर्स। आपको भी अच्छा लग रहा है ना ये पीना, तो फटाफट बना लो और मेरे साथ चीयर्स कर दो। चीयर्स। और मैं ये पी के वापस आती हूँ और हमें डिनर की भी तैयारी साथ साथ ही करनी है। तो शाम हो चुकी है और चाय का टाइम हो गया है, तो दिस इज माय ग्रीन टी, अगेन अ डिटॉक्सिफायर। तो ग्रीन टी का मजा लेते हैं। मैंने बिल्कुल चीनी नहीं की, मुझे इतनी भूख लग रही है, मतलब मेरी शक्ल देखो ऐसी हो गई है भाई, कुछ तो खाने को चाहिए ना, बिस्किट विस्किट भी कुछ नहीं खा सकते, ओनली एंड ओनली एंड ओनली लिक्विड। सो ग्रीन टी कोई बात नहीं, आई कैन डू इट, बस अब तो लास्ट मील रही है डिनर की, उसके बाद तो कल का दिन आ ही जाएगा, एंड आई विल हैव समथिंग गुड टुमारो, बट अभी के लिए लिक्विड डाइट। भाई बहुत गर्म है, चीप हो गई, मैं ये आराम से ठंडी करके पी के आती हूँ, स्टे ट्यून, कहीं मत जाना। तो स्टार्ट करते हैं डिनर की तैयारी। सूप में मैंने डाल दी है पालक और ब्रोकली एंड मशरूम्स। मैं ये सब नहीं खाने वाली हूँ, लेकिन मेरी फैमिली ने कहा जब बन ही रहा है तो हम सबके लिए सूप बना दे, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। मैंने बहुत सारा लहसुन लिया, थोड़े से मशरूम्स लिए, उसमें थोड़ा वाटर डाल के इसका पेस्ट बना के मैं डाल रही हूँ सूप में, ताकि इसकी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है फ्लेवर्स का। और इसमें नमक और काली मिर्च डाल के मैं इसको ढक दूँगी अच्छे से बॉयल होने के लिए 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। सो इट्स डिनर टाइम एंड आई हैव मेड द सूप, जो मैंने आपको दिखाया था बनते हुए। एक्चुअली जब मैंने सोचा ना कि मैं सूप बनाती हूँ, तो सबने मेरे घर में कह दिया कि हम सब सूप पियेंगे, और देखो कितनी गर्मी हो रही है किचन में काम करने के बाद, तो ये गर्मा गर्म मैंने सूप बना लिया है। और मैंने सारी वेजिटेबल्स निकाल दी, बिकॉज आई एम ऑन लिक्विड डाइट, तो मैं कोई भी वेजिटेबल्स नहीं लेती, बस इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स का सूप है, आप देख सकते हैं एक भी वेजिटेबल नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव दिस, डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप भी पी लो हेल्दी टेस्टी यमी वेजिटेबल सूप, एंड दिस इज द लास्ट मील ऑफ द डे, बिकॉज डिनर के लिए मैंने सूप बनाया है। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे ना दोपहर तक इतनी भूख लग रही थी, मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें पी, लेकिन फिर मुझे सर भूख लग रही है। और जब मैंने ये सूप बनाना स्टार्ट किया और तो उसके बाद तो आप ये समझ लो कि मुझे भूख लगी नहीं, अब बस मेरे को इंस्टाग्राम सो फुल ये सूप पीऊंगी ना, जस्ट डन, मतलब इतना टेस्टी चैलेंज रहा ये, क्योंकि और हेल्दी भी, मतलब मुझे सीरियसली भी फील हुआ है कि बहुत हेल्दी है। पहले आपको लगेगा सुबह सुबह जैसे कि आदत है ना खाना खाने की, तो सुबह आपको खाना खाने की बहुत भूख लगी रहेगी कि यार मैं नहीं खाया, भूख लग गई यार, ये वो क्यों चैलेंज किया, बट थोड़ा टाइम देखना आप शाम तक आते हैं आपकी बॉडी एकदम स्टेबल हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये वाला चैलेंज। तो ये ट्राई करना अपने घर पर भी और सब करना, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी, टेस्टी टेस्टी बहुत सारी चीज़ आपको रेसिपीज मिल सकती है जो कि आप पूरा दिन लिक्विड डाइट में आप पी सकते हो। तो ये ज़रूर चैलेंज ट्राई करना और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, अपना ऑरा क्लीन करना, ऑरा क्लीन, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, और ऐसा कैसा लग रहा है ना रोज़ मैं चैलेंज करती हूँ खाने पीने वाले कि आज मैं येलो वाइट ये वो। अभी मैंने और भी बहुत सारे चैलेंजेस लेके आने हैं जो देखना आपको कितना मजा आने वाला है। ये तो मैंने बीच में सिर्फ लोगों की धमकियों पे मैंने कर दिया कि भाई हिम्मत है तो करके दिखाओ, तो वो हिम्मत वाले लोगों देख लो मेरे में हिम्मत है, सूप पी रही हूँ बस सिर्फ और सिर्फ सूप। मैं अपना डिनर कंप्लीट कर रही हूँ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताओ कोई चैलेंज कैसा लगा और कौन कौन ये चैलेंज ट्राई करने वाले हैं, जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।